हेंस मैट्रिक्स के टाइप्स और उनकी डेफिनेशन पढ़ने के बाद मैट्रिसेस जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो फॉलो करते हैं वो उसमें हम पढ़ते हैं एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम मैट्रिक्स एडिशन देखेंगे। मैट्रिक्स एडिशन कब हो सकता है? इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर देन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस बी इज डिफाइंड। यानी कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी, उनका एडिशन कब डिफाइंड होगा? अगर उनका ऑर्डर सेम हो। फ्रेंड्स, मल्टीप्लीकेशन के लिए ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है, बट एडिशन के लिए उनका ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। तो डिफाइन है वो इस तरह से डिफाइन है, एज द मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन बाई द एडिशन ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए एंड बी। एम आर क्लियरली वी कैन से दैट, यानी कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी, अब इनका जो एडिशन है, एडिशन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे ए के एलिमेंट है ए वन, जैसे ये एलिमेंट है ए का ए वन वन और बी का इसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी वन वन। जब हम इन दोनों का मैट्रिक्स का ऐड करेंगे तो इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करना होगा, ए वन वन बी वन वन, इससे ये बनेगा हमारे पास ए वन वन प्लस बी वन वन, या अगर इसको हम सी वन वन बोले इस नंबर को, तो ये इन दोनों एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ए वन वन और बी वन वन का सम होगा। इस तरह से ए वन टू का बी वन टू से, ए वन थ्री का बी वन थ्री से, ए टू वन का ए बी टू वन से, इस तरह से सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी ए आई जे का बी आई जे से सम होगा। तो उस सम से जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स का सम मैट्रिक्स कहलाएगा।